सोचो कि आप एक दिन अपने दोस्त के साथ पार्टी करके घर लौट रहे होते हो और आपको रास्ते से ही किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद आपके घर के फोन की घंटी बजती है और आपके घर वालों से 12 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। ना तो आपको ये पता है कि आप घर पहुंच पाओगे और ना ही आपको ये पता है कि आप जिंदा भी बचोगे या नहीं। सोचो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे। ऐसी कुछ कहानी है मिस्टर गौतम अडानी की। जिस इंसान ने अपना कॉलेज तक खत्म नहीं किया आज वो इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे को हराते हुए दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस इंसान की नेटवर्थ 2018 में 8.7 बिलियन डॉलर्स थी, आखिर सिर्फ 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उनकी नेटवर्थ बढ़कर 123.7 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच गई। आखिर सिर्फ कोई 4 सालों में 115 बिलियन डॉलर्स कैसे कमा सकता है। क्या अडानी एक स्कैम है या फिर अडानी इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा कर रही है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। आखिर अडानी ग्रुप के इस जबरदस्त राइज का राज क्या है, कहीं वो कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय फाई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो ये कहानी शुरू होती है 1978 में, जब गौतम अडानी गुजरात से मुंबई आकर महिंद्रा ब्रदर्स नाम की एक डायमंड कंपनी के अंदर एक डायमंड सॉर्टर के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद गौतम अडानी के ब्रदर मिस्टर मनसुख भाई अडानी गौतम अडानी को वापस गुजरात बुला लेते हैं, क्योंकि वो वहां पर एक नई प्लास्टिक की फैक्ट्री सेटअप कर रहे होते हैं। गौतम अडानी वापस अहमदाबाद चले जाते हैं और किसे पता था कि ये एक प्लास्टिक का बिजनेस उनके लिए इंटरनेशनल ट्रेड के दरवाजे खोल देगा। आज भी गौतम अडानी की सभी कंपनीज में से उनकी सबसे पावरफुल कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, जिसका मेन काम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप टिकट टेप पे देखोगे तो अडानी ग्रुप के सभी लिस्टेड कंपनीज ने अपने सारे इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए और ये सारी की सारी कंपनीज प्रॉफिट में है। अगर हम अडानी ग्रुप के पूरे रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो उनका मैक्सिमम रेवेन्यू अडानी एंटरप्राइजेस से आता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है। अडानी के प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर पीवीसी पाइप्स बनाने के लिए पीवीसी ग्रैनुल्स का यूज होता था और उन दिनों भारत के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी थी जो पीवीसी ग्रैनुल्स बनाती थी, वो थी आईपीसीएल लिमिटेड। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी सप्लाई की जरूरत अडानी को पड़ती थी उतनी सप्लाई कभी भी आईपीसीएल कर ही नहीं पाती थी और मजबूरन अडानी को वो सारा का सारा प्लास्टिक इंपोर्ट करवाना पड़ता था। नाउ सी द मैजिक, उन दिनों अगर किसी को भी बल्क में प्लास्टिक इंपोर्ट करवाना है तो उसको LOA यानी कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती थी, जिसको पाने के लिए काफी ज्यादा टाइम भी जाता था और काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते थे। बट इंटरेस्टिंगली गौतम अडानी ने इस चीज का एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसने ना सिर्फ उनका टाइम बचाया लेकिन उनको करोड़ों रुपए भी कमा कर दिए। उस सॉल्यूशन का नाम था शॉप इन शॉप। इन सिंपल वर्ड्स, एक बहुत बड़ी शॉप के अंदर अपनी एक छोटी सी शॉप। उन दिनों गौतम अडानी ने स्टेट PSUs, एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशंस और GSEC इन सारी कंपनीज के साथ टाई अप्स करे और इनके साथ पार्टनरशिप करके इनके ऑर्डर्स के अंडर ही अपने ऑर्डर्स प्लेस करे। अब देखो ये कैसे काम करता है। मान लो अडानी इंपोर्ट्स को 200 मेट्रिक टन प्लास्टिक इंपोर्ट करना है। अब ये 200 मेट्रिक टन अगर उनको इंपोर्ट करना है इसके लिए उन्हें LOA देने की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है इसको लेने के लिए काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते थे और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था। अब देखो गौतम अडानी ने क्या किया। जब भी स्टेट PSUs, GSEC या एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशंस ये लोग अपने बल्क प्लास्टिक ऑर्डर्स प्लेस करते थे तो इन्हीं के ऑर्डर के साथ मर्ज करके गौतम अडानी अपनी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स के ऑर्डर भी प्लेस करवाते थे। सो ये सारी की सारी कॉर्पोरेशंस अपना इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस करती है एक्सपोर्टर के पास। अब क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा बल्क में ऑर्डर करते हैं तो इनके लिए LOA लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और इंपोर्ट ऑर्डर के आने के बाद अडानी इंपोर्ट्स अपनी रिक्वायरमेंट के सारे गुड्स साइड में रख के जो बाकी बचे हुए गुड्स हैं उनको मार्केट में बिकवा देती थी। इसके चलते ये सारे के सारे स्टेट PSUs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इनका पैसा मिल जाता था और अडानी इंपोर्ट्स का बिना LOA के काम भी हो जाता था। और देखते ही देखते जहां अडानी सिर्फ 100 मेट्रिक टन प्लास्टिक इंपोर्ट करते थे वो सिर्फ 4 साल में बढ़कर 40,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गया। साल 1991 में गवर्नमेंट की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेटाइज किया जाता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 1995 में अडानी ग्रुप को मिलता है। और आज भी अगर आप देखो तो मुंद्रा पोर्ट अडानी ग्रुप की सबसे बड़े कैश काउज में से एक है। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो अडानी ग्रुप कुछ ऐसा कर रही है जो आने वाले टाइम में इंडिया को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, और उस चीज का नाम है स्टार्ट टू फिनिश कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि एक ऐसी कंपनी बनाना जो कि प्रोडक्ट बनाने से लेकर एंड कंज्यूमर के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचाने तक हर एक चीज को कंट्रोल करे। सो अब देखो ये कैसे काम करता है। वेल, इसको समझने के लिए टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1890s में अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी कार्नेगी स्टील, जो उन दिनों US के पूरे स्टील मार्केट का 80% कंट्रोल करती थी, वो उस टाइम पर कुछ इस तरीके से काम किया करते थे। सबसे पहले कार्नेगी स्टील ने बहुत सारी कोल और आयरन माइंस को एक्वायर किया। उसके बाद कार्नेगी स्टील ने स्टील मिल सेटअप करे और स्टील बनाना शुरू किया। उसके बाद उसी बने हुए स्टील से उन्होंने रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करवाई और बहुत सारी रेल रोड्स को भी ओन करना स्टार्ट किया। उसके कुछ ही टाइम के बाद कार्नेगी स्टील ने बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को अपने अंडर लिया। एंड देन फाइनली जो स्टील कार्नेगी की स्टील कंपनी बनाती थी उसी स्टील से होने वाले कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कार्नेगी स्टील का हाथ था, यानी कि स्टील बनाने की शुरुआत होती है आयरन और कोल माइन से और एंड होती है कंस्ट्रक्शन पर। कोल माइन से लेकर कंस्ट्रक्शन,
कार्नेगी स्टील ने हर एक चीज के ऊपर अपना कब्जा जमाया। अब देखो अडानी ग्रुप ये कैसे करता है। नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। अगर आप अडानी ग्रुप के मेजर बिजनेसेस की लोकेशन देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। अडानी ग्रुप के पोर्ट प्रोजेक्ट्स के सबसे पास है अडानी पोर्ट वेब्रिज, जहाँ पर उनका सारा का सारा सामान अनलोड होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो अडानी पोर्ट वेब्रिज के बहुत ही पास आपको दिख जाएगी अडानी लॉजिस्टिक्स। मोरओवर अडानी ग्रुप के टाउनशिप से लेकर अडानी विलमार, ये सारी की सारी कंपनीज एक दूसरे से बहुत ही पास पास लोकेटेड है। आपको ये बहुत ही क्लोजली दिख रहा होगा कि गुजरात के अंदर अडानी ग्रुप ने एक ही रीजन के अंदर अपनी ज्यादातर कंपनी सेटअप कर रखी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सारी की सारी कंपनीज का बिजनेस आपस में बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है। अगर आपको अडानी ग्रुप को समझना है तो आपको अडानी ग्रुप के ये तीन लेवल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन, ओरिजिनेटर्स। इसके अंदर वो कंपनीज आती हैं जहां से एक्चुअली में प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू होती है। सो ओरिजिनेटर्स के अंदर आते हैं अडानी गैस, अडानी कोल, अडानी रिन्यूएबल्स, अडानी आयरन माइन और अडानी पोर्ट्स। ये सभी अडानी ग्रुप की वो कंपनीज हैं जहां से एक्चुअली में प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मूव होना शुरू होता है। सेकंड लेवल इज सपोर्टर्स, जिसके अंदर आती है अडानी पावर, अडानी एयरपोर्ट्स और अडानी लॉजिस्टिक्स। ये वो कंपनीज हैं जो अडानी की ओरिजिनेटिंग कंपनीज को सपोर्ट करती हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द बिल्डर्स, जिसके अंदर आते हैं डेटा सेंटर्स, ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अडानी विलमार, अडानी हेल्थ केयर, अडानी रियल स्टेट और अडानी इंफ्रा। बिल्डर्स मेनली वो कंपनीज हैं जो कि सपोर्टर्स और ओरिजिनेटर्स इन दोनों को आपस में लिंक करने में मदद करती हैं। अडानी ग्रुप का हर एक बिजनेस इंटरनली बहुत ही ज्यादा वेल कनेक्टेड है, जिसके चलते उनका प्रोडक्ट बनाने से लेकर उनका प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंचने तक अडानी ग्रुप इस पूरी की पूरी चेन को कंट्रोल करती है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत ही स्पीड से अडानी ग्रुप अपने आप को जब चाहे तब एक्सपैंड कर सकती है। लेकिन इस कहानी की एक डार्क साइड भी है और इस डार्क साइड के अंदर कई सारे राज छुपे हुए हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन, आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर यू, फिट रूल्स बाय फाइ, जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। द मैजिक इज कि जब भी आपके आसपास कोई इवेंट होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, खाना हो गया या शॉपिंग हो गई। तो ऐसे में आपके फाइ सेविंग्स अकाउंट से कुछ पैसा ऑटोमेटिकली आपके स्मार्ट डिपॉजिट्स या फिर जार्स के अंदर पहुंच जाएगा, जिनसे आप इजीली अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। इस आईपीएल के अंदर फाइनल एक लीग निकाली है जहां पर आप फिट रूल्स के थ्रू इन्वेस्ट करके आईफोन्स और बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। आईपीएल के फिट रूल्स से डबल सेविंग्स करके आप एक लकी ड्रॉ के पार्ट बन जाते हो, जहां पर आप 750 तक का कैशबैक भी जीत सकते हो। और यहां पर जो भी सेविंग्स का वीकली लीडरबोर्ड टॉप करता है वो 2 लाख रुपीज तक के प्राइजेस जीत सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली इसका एक और भी फायदा है। मान लो कि आपने अमेज़न, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग कर ली या फिर आपने स्विगी या जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर कर लिया, तो ऐसे में फिट रूल्स ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा और उसको ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट भी कर देगा। है ना कितनी जबरदस्त चीज। बस आप हर दिन या फिर हर हफ्ते एक पर्टिकुलर अमाउंट फिट रूल्स के साथ ऑटोमेटिकली साइड रखवा कर उसको सेव करते हुए उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको भी ये आइडिया अच्छा लगा तो आप भी फिट रूल्स का यूज करके अपने पैसे को सेव करते हुए अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर इजीली डाउनलोड करके अपनी जर्नी अभी शुरू कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि वो डार्क साइड आखिर है क्या। 2018 में भारत सरकार 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का टेंडर निकालती है, जहां हमेशा से गवर्नमेंट उन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया करती थी जिनको एयरपोर्ट चलाने का या एयरपोर्ट बनाने का एक्सपीरियंस है। इस टाइम गवर्नमेंट ने सारे के सारे रूल्स को रिलैक्स करके उन लोगों के लिए भी ये बिडिंग ओपन करी जिनको एयरपोर्ट चलाने का या बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एंड गेस व्हाट, इस रिलैक्सेशन के बाद 6 के 6 एयरपोर्ट्स का टेंडर अडानी ग्रुप को मिल जाता है। इस बात पर केरला के फाइनेंशियल मिनिस्टर ओपनली आकर ये बात बोलते हैं, अडानी ग्रुप बिलिंग अ 50-year lease to Trivandrum International Airport is an act of brazen cronyism. यानी कि इस टेंडर के अंदर काफी ज्यादा पार्शियलिटी हुई है। But you know what? ये एयरपोर्ट डील तो इस कहानी का छोटा सा पार्ट है। कहानी अभी बाकी है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि अडानी ग्रुप इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और थर्मल कोल पावर प्रोड्यूसर भी है, जिसके चलते पिछले सिर्फ एक साल में मिस्टर गौतम अडानी की नेटवर्थ में 230% का जंप आया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गौतम अडानी ये सारी की सारी चीजें इतनी आसानी से आखिर कैसे कर पा रहे हैं? वेल, इसका जवाब है ओलिगार्की। इन सिंपल वर्ड्स, पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शंस। इंडिया में क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसमैन के पॉलिटिकल कनेक्शंस होना एक बहुत ही आम बात है। इंदिरा गांधी के टाइम पे मिस्टर धीरूभाई अंबानी और आज के टाइम पे मिस्टर अडानी। अगर आप यूएस में भी देखोगे तो ज्यादातर जो बिलियनर्स हैं वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिसके चलते ज्यादातर टेक कंपनीज को बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज मिलता है। इसके सबसे बड़ा एग्जांपल है फेसबुक, अमेज़न, गूगल और एप्पल। सिमिलरली अगर आप रशिया के टॉप बिलियनर्स देखोगे तो आपको ज्यादातर बिलियनर्स स्टील और ऑयल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए दिखाई देंगे। और इन इंडस्ट्रीज के अंदर आप तभी ऑपरेट कर सकते हो जब आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट हो। हैरानी की बात है ना कि अमेरिका, जो कि इस दुनिया की वेल्दीएस्ट कंट्री है, उसकी 1% पॉपुलेशन के पास पूरी कंट्री की 40% वेल्थ से भी ज्यादा है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन पॉलिटिकली कनेक्टेड टाइकून्स
को हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि नो मैटर हाउ मच यू डिनाई इट, लेकिन ये दुनिया कैपिटलिज्म से ही चलती है। क्रेडिट सूजी अपनी 2015 की हाउस ऑफ डेट की रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन करती है कि अडानी ग्रुप इज अंडर डीप फाइनेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि अगर आप अडानी ग्रुप के ओवरऑल फाइनेंशियल्स को स्टडी करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि पूरे ग्रुप के ऊपर $30 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज है। टिकट टेप के ऊपर आपको अडानी ग्रुप की हर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख जाएंगे, बैलेंस शीट से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और अगर आप ग्रोथ व्यू के थ्रू देखोगे तो आपको इन सारी कंपनीज की ग्रोथ भी दिखाई देगी, कंपनीज के डेट से लेकर कंपनीज के प्रॉफिट्स, ये देखो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन अगर इस डेट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब अडानी ग्रुप इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस स्पीड से अडानी ग्रुप ग्रो कर रही है वो हर एक चीज को आपस में इंटरकनेक्ट करते जा रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर गैस डिस्ट्रीब्यूशन तक, हर एक चीज अडानी ग्रुप अपने कंट्रोल के अंडर लेती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हर एक चीज आपस में वेल कनेक्टेड होगी, जिस चीज के चलते हमारी कंट्री का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख कर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, रिस्क नहीं तो प्रॉफिट नहीं, इसलिए हर एक बिजनेसमैन किसी ना किसी तरीके का रिस्क तो जरूर से उठाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस रिस्क को कैलकुलेट करके लेना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे लिए गए रिस्क आपको हमेशा बर्बाद कर सकते हैं। अडानी ग्रुप के ऊपर हेवी डेट के चलते वो लोग बहुत ही स्पीड से खुद को एक्सपैंड करते जा रहे हैं, कुछ लोग इस बात पर बहुत ज्यादा सवाल भी उठाते हैं, लेकिन अगर आप अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल्स को बहुत ही ध्यान से स्टडी करोगे तो अडानी ग्रुप की मैक्सिमम लिस्टेड कंपनीज अच्छे खासे प्रॉफिट पर ऑपरेट कर रही हैं, जिस चीज के चलते उनके लिए ये एक्सपेंशन लोन्स को मैनेज करना पॉसिबल है। सेकंड लेसन, यूज द लूप होल्स। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज सिर्फ तभी गलत होती है जब आप इसके अंडर किसी लॉ को ब्रेक कर रहे हो। हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ लूप होल जरूर से हो सकते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, प्रोवाइडेड वो अनलॉफुल एक्ट नहीं है। बड़े से बड़े बिजनेसेस किसी ना किसी तरीके की लूप होल्स को जरूर से यूज करते हैं, और ये चीज आप भी कर सकते हो, और अगर इन लूप होल्स के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लर्न टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट, एज सेड बाय जॉन डी रॉकफेलर। हम लोगों को अक्सर अपने बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट से या फिर अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, जिस चीज के चलते हम लोग बदलते टाइम को कभी देख ही नहीं पाते और हम लोग अपने प्रोडक्ट को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं। हर एक बिजनेस का एक वक्त होता है और वक्त की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वक्त हमेशा बदलता है। हो सकता है कि जो बिजनेस आज से 10 साल पहले प्रॉफिटेबल हो वो शायद आज बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल ना हो। आप में से कितने लोग आज की डेट में साइबर कैफे जाते हैं, या फिर आप में से कितने लोग आज की डेट में किसी रील वाले कैमरा का यूज करते हैं। आज की डेट में आपने हार्डली किसी के हाथ में पेन ड्राइव या फिर सीडी देखी होगी, लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? क्योंकि वक्त बदल गया है। बड़े से बड़े बिजनेस हाउसेज, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो या अडानी ग्रुप हो, ये सारे के सारे बिजनेस हाउसेज ने अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज किया, जिसके चलते आज भी ये बिजनेस हाउसेज सालों से खड़े हैं। रिलायंस ग्रुप ने पेट्रोकेमिकल से अपनी डिपेंडेंसी हटाकर डिजिटल बिजनेसेस के अंदर एंट्री मारी। अडानी ग्रुप ने ट्रेडिशनल बिजनेसेस से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर्स के बिजनेस के अंदर एंट्री करी। और टाटा मोटर्स भी आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर के अंदर एक्सपैंड करके एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है, द पेपैल माफिया। क्या आपको पता है कि पेपैल माफिया के सिर्फ 6 लोग मिलकर पूरे के पूरे सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं? पेपैल से एग्जिट लेकर ये 6 लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते। ये माफिया आज सिलिकॉन वैली का मेजर पोर्शन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग आखिर यहाँ तक पहुंचे कैसे? अगर राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे।